बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ट्राईपोड का जो मोड है वो आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और ये जो फंक्शन है ट्राईपोड मोड का, ये स्पेशली अगर आप वेडिंग को कवर करते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये फंक्शन ट्राईपोड मोड का। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो काम है वो थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट पे भी होता है, स्लो मूवमेंट पे भी होता है। स्पेशली मैं टारगेट कर रहा हूँ वो पर्सन जो कि वेडिंग से रेलिवेंट है। तो जब आप ड्रोन को ट्राईपोड पे फ्लाई करते हो, फ्लाई करने के बाद जब आप एकदम से उसको आगे की तरफ करते हो या पीछे की तरफ करते हो तो वो एक जर्क लेता है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है कि वो जो जर्क होता है वो आपकी वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो जब वो रिकॉर्डिंग में आपकी सेव हो जाता है तो जो आपका एक जो कैप्चर किया मोमेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर आप स्मूथली चलाएं, मतलब कि आप ड्रोन को आगे लेके आ रहे हैं और एकदम से बैक लेके आ रहे हैं या फ्रंट है या राइट है, कहीं पे भी आपने मोमेंट लेनी है ड्रोन की, तो वो जो जर्क लेता है तो वो जर्क से क्या होता है आपकी जो क्लिप है वो ख़राब होता है। तो ऐसी कंडीशन पर ट्राईपोड जो मोड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके वेडिंग वीडियोग्राफरी में। तो आप क्या करें, आप उस ट्राईपोड मोड को इनेबल करके रखें। मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनेबल कहाँ पे जाके करना है। तो ये लेफ्ट साइड पे आपके पास रिमोट का बटन शो हो रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ट्राईपोड मोड का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ये ट्राईपोड मोड जो है ये बाय डिफॉल्ट जो होता है ये डिसेबल होता है। जब ये फ्लाई करता है तो तब ये इनेबल होता है। मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये किस तरीके से वर्किंग करता है। तो आप देख सकते हैं कि ड्रोन रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको ज़्यादा फ्लाई पे तो नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि ये जो कैमरे का एंगल है वो थोड़ा सा डाउन है, तो मैं फ्लाई नहीं करवा सकता अभी। तो मैं फिलहाल आपको चेक करवाता हूँ कि ट्राईपोड मोड एक्चुअली होता क्या। ये मैंने ऑन किया इसको, ये अब आप देखें ये ऑन है। ये देखें ये जर्क जो ले रहा है ना, ये देखें ये जो जर्क है, ये जब आप क्लिप बनाते हैं तो जर्क लेता है, तो जर्क नहीं आना चाहिए आपके क्लिप के अंदर। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं और ट्राईपोड मोड को इनेबल करते हैं। ओके किया, अब आप देखिएगा जर्क नहीं आएगा। ये मैं डाउन लेके गया हूँ, ये देखें अब ये बहुत स्मूथली चल रहा है, अब इसमें जर्क ज़रा भी नहीं है। ये देखें, अब मैं इसको नीचे डाउन कर देता हूँ। तो आपने चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा कि जब क्लिप बन रहा है, ड्रोन फ्लाई कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि जैसे ही आप आगे लेके जा रहे होते हैं और एकदम से आपने राइट या लेफ्ट मोड़ना है तो वो एकदम से जर्क लेता है। तो ट्राईपोड का जो मोड है उसको इनेबल करने से क्या हुआ है, आप फ्लाई कर रहे हैं, जैसे ही आपने राइट या लेफ्ट मोड को आपने जाना है तो वो जर्क नहीं लेगा। तो ऐसे कंडीशन पे आपको जो क्लिप है वो बहुत अच्छा और स्मूथ बनेगा। आई होप कि ये जो क्लिप मैंने बनाया है ये आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लिप से रेलिवेंट या हमारी वीडियो से रेलिवेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे आंसर नहीं मिलता तो आप फेसबुक पर जाके फहदी फोटोग्राफी लिखें, वो वहाँ पे मेरा पेज आएगा, वहाँ पे आप इनबॉक्स पर जाके भी कमेंट्स कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ड्रोन से रेलिवेंट जो हमारा सेशन शुरू हुआ है, ताकि आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, लाइक होंगे, शेयर होंगे, तो मुझे भी पता लगेगा कि यार जो वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ तो वहाँ पे आंसर, इसकी वजह से मैं आपके लिए और मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। इंशाल्लाह मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।